बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। वफाकी हुकूमत ने 28 जून को भी ईद अल अज़हा की तातील का ऐलान कर दिया। रोजेदार कमेटी ने मुल्क भर में 29 जून पर जुमेरात ईद अल अज़हा का ऐलान कर रखा है। वियान पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने ईद अल अज़हा की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक 29 और 30 जून को ईद तातीलात होनी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन खुले रहने वाले दफातर में 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होनी थी, जबकि ईद अल अज़हा के लिए हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर में 2 रोज़ की तातील का ऐलान किया गया था। ज़रा के हवाले से खबर सामने आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 28 जून को भी ईद अल अज़हा की तातील देने का फैसला किया। तहम अब वफाकी हुकूमत ने 28 जून को भी ईद अल अज़हा पर छुट्टी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ईद अल अज़हा की तातीलात के बायस मर्कजी बैंक 29 और 30 जून को बंद रहेगा।